साजू 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 किधर जा रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आतिफ भाई, आकिब भाई, साकिब भाई, तीनों भाई उनकी पुफी के घर आए हुए। खाना हमारा तैयार हो के आ गया, पहले खाते हैं खाना और फिर सफ़र करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अभी हमने आतिफ, आकिब, साकिब तीनों भाइयों की दादी, अम्मी, दादा के पास भी जाना है। हमारे साथ जी आतिफ का कज़न भी जा रहा है, कह रहा है कि मैंने ना बहावलपुर शहर देखना, तो इसे आतिफ भाई, आकिब भाई मिलके बहावलपुर का विज़िट करवाएंगे। चलो बैठो आतिफ, अच्छे से विज़िट करवाना बहावलपुर का भाई को, बिल्कुल ठीक है ना? कोई एतराज़ ना आए मुझे। जा रहे हैं आगे आगे, आकिब भाई आ रहा पीछे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने रस्ते से सूट लेने आते भी याद करवाना यार सूट लेने। और मुझे लगता है ये गाड़ी जो है ये तो आपने देखी होगी, इसे तो आप जानते ही होंगे, और इस गिराज को भी लाला जट यानी कि हमारा मामू। चलते हैं, चल के पहले इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ बस यार, ओ मामू के घर के करीब ही शॉप है, वहाँ से सूट लेने थे, आधे घंटे का बोल के गए थे। भाई भी इतराज़ कर रहे हैं, यार आपका घंटा अभी हुआ है। अब उन्हें क्या बताया कि हम आगे से आगे ऐसे ही घूमते घुमाते कहीं के कहीं पहुँच गए थे, और अब लेके चलते हैं घर, पहले सूट चेंज करते हैं और फिर आगे का सफ़र करेंगे शुरू। ये आतिफ ने रख दिए दोनों सूट, और ये हमारे शहजादे घूम फिर रहे हैं। अब क्या दे रहा है आतिफ, नहा रहा है? जाना था आकिफ की दादी के पास, तो इरादा हो गया चेंज। आकिफ ने मामू जी से बात किया तो हम जाएंगे गाड़ी पे, बाइकें अपनी मामू जी के गैराज में खड़ी करेंगे, वापसी जब आएंगे गाड़ी इधर खड़ी करने के बाद लेंगे अपनी बाइकें और घर को निकल पड़ेंगे। और ये हमारा ड्राइवर है, चाबी लग दी नहीं। उसे नहीं ना पता, मुझे पता है, चाबी मैंने रख ली है पहले। चले आकिफ, अब मजा आएगा सफर करने का। चलो माशाल्लाह काफी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। और आपको पता है गाड़ी या गाड़ी में बूफर तो लगे होते हैं, सॉन्ग चल रहे हैं मस्त, बहुत ही मजा आ रहा है। और खास बात, आकिब भाई आज बहुत ही हैप्पी है, काफी दिनों के बाद आज इसने फिर गाड़ी चलाई। बाइक जब से ली है ना, तो ना इधर आया ना इसने गाड़ी चलाई, आज पता नहीं कैसे दिल कर पड़ा, मन में ख्याल कभी भी आ सकता है। और माशाल्लाह आकिब भाई चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। आकिब भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हाल। हम कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरा दिल कह रहा है घर वालों को बोलूं कि मुझे भी एक ले दें। ठीक है, अपनी हिम्मत है ले लो, माशाल्लाह लेंगे। अगर मैंने बाहर न जाना होता तो मैं जरूर ले लेता। ओ वाह, कब? इंशाल्लाह अगले साल इन दिनों में। सही है, फिर अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, एक साल तो गुजार के जाओगे अच्छे से। असल में ये है कि मैं घर से निकलता नहीं हूँ, मेरा बहुत कम है, या तो महीने में या दो महीने बाद यहाँ आना होता है। सही है, तो फिर इसलिए मेरे इस्तेमाल में नहीं है गाड़ी इतनी। सही सही। अब हम पहुँच गए आपकी भाई के दादा बू के घर, आपको दिखाता हूँ बाहर से, चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। छत चेक करें, फ्रंट, और इसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई, कितनी प्यारी लग रही है। कितना प्यारा लग रहा है। ओह ये तो बिल्कुल ही प्यारा नहीं लग रहा, और इससे ज्यादा प्यारा मैं लग रहा हूँ। आप किसी से भी ज्यादा प्यारे नहीं लगे। मुझे भूल गए, मुझे चेक करें, मैं भी प्यारा नहीं लग रहा, मुझे भूल गए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि ना आप प्यारे नहीं लग रहे, इसलिए वो माइंड कर जाएंगे अगर मैं कहूँ कि मैं प्यारा लग रहा। हेलो, क्या हाल है? आया ठीक हो? आपने मुझे कहा था आप आते नहीं है, मैं देखो आ गया हूँ। इधर देखो, वो देखो, उसे जानते हो हाथी? हेलो नाया, चलो आ जाओ। चले दादी अम्मी इनकी दूसरी पुप्पो के घर गई हुई है, और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, और ये एक छोटा सा बच्चा है। काफी तंग कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है इनके साथ खेलने, और आकिफ बच्चों को भी तंग कर रहा है, नहीं मुड़ रहा इस बात से। ये मुझे बुलाते हैं और अब ये बात नहीं कर रहे। हाय, क्या नाम है आपका? अनाया। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्या कह रही है, कौन सी क्लास है?
मतलब पीजी आती है। अच्छा अच्छा यहाँ आए, काफ़ी गपशप लग रही हैं, काफ़ी मज़ा आया। और ये आके भाई का कज़न है भाई, आपका नाम क्या है? सिकलैन। आप सुना सब खैरियत ठीक ठाक? और हमारा खाना भी आ गया। आज के खाने में हमारे पास पाव, मुंह में पानी आ रहा नहीं, आपने खाना हम खा लेंगे बिरयानी और साथ रायता। चलो आते भाई डालो यार, चलो फिर तुसी जाओ, मैं फिर खा के आऊंगा। उधर नहीं देखना यार, आप खाना खा लो। उस भाई ने प्लेट खाई हुई है, और अब जा रहे हैं वापस, जल्दी जल्दी चलते हैं दिलावर के पास, बाइकें लेती हैं, घर भी जाना है, काफी अंधेरा हो गया बाहर, चेक करें। और ये रही गाड़ी, बैठो यार, बैठो के नहीं जाना, बैठो बैठो, चलो बैठो, मैं बैठा हूँ, तो हम इधर थोड़ा सा उस साइड को मैं बैठ जाऊँ। वापिस हम आ गए स्टॉप पे, अब भाई लगाते हैं साइड पे गाड़ी और हम उतरते हैं। आकिब जाओ, आतिफ और सभी को ले आओ, बैग लेने के अभी तक नहीं आया यार, कितना अंधेरा होगा, बाइकों पे हमने जाना, सुनसान रास्ता जहाँ से हमने गुजर के जाना, 5 मिनट उन्हें भेजो, बाइक निकाले, आप बैग ले आओ, तब तक मैं अपनी बाइक भी निकाल लूँ नीचे से, जल्दी भेजो। और अब मामू जी गाड़ी गैराज में खड़ी करेंगे, रिवर्स ले के आकिब भाई, मैंने आपको क्या क्या के भेजा यार, यार वो वीडियो अपलोड कर रहा है। वाह माशाल्लाह, मामू का तो तजर्बा ही बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़ गैराज में खड़ी करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसी वजह से चेक करें कितना गायब है, बिल्कुल साथ साथ है। चली गई गैराज में गाड़ी, और इस बाइक की सुबह से वीडियो नहीं अपलोड हुई अभी तक, पता नहीं क्या करना चाहता है यार, बैठ जो बाइक पे, अंधेरा हो रहा है, अभी भी हुई है अपलोड के नहीं, कितनी रह गई, और यार अभी 45 हुई है, जान के 55 रहती है अभी, चले ऐसे ही पकड़ लो, हाथ में हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो लग रही थी ठंड, तो जो मैंने गुजरा वाला से ये जैकेट ली थी मैंने तो पहन ली है, इनका पता नहीं क्या बनेगा। आतिफ आहिस्ता आहिस्ता जाना है या भगा के, यार ठंड लगेगी, आहिस्ता जाने पे भी तेज जाने पे तो ठंड चलने के लिए लाजमी है कि तेज जाएं आप, सही है, वहाँ भी ठंड लगेगी, हम घर पहुँच जाएंगे, वैसे आहिस्ता तो जाएंगे, पूरे 2 घंटे ठंड लगेगी फिर भी घर पहुँच जाएंगे, नहीं नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं तकरीबन 60-70, हाँ 100-150 तो लेना ठीक बात। हेलो कह रहे हैं कितना नहीं भागती ये बाइक, जितना भागती उतना भगाओ। अपने गांव के करीब हम पहुंच गए हैं, अब सीधा ब्रेक होगी घर जाके, चाहे चाहे हम पूरा सब्जी में, नौजवान मेरे साथी जो हैं वो डर गए हैं और मैं सेफ हूँ, ऐसा ही है ना, हमारे साथ ये जाते हुए वहाँ पे जाके और मैं आपको मिलाता हूँ अपने सरप्राइज से, स्पेशल जो मेहमान था हमारा जो हमें वहाँ पे नहीं मिला, अभी इसके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, इसे हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, सुबह ही बातचीत करेंगे इसके साथ, ठीक है, अब इसे ऐसे ही रेस्ट करने देते हैं, तंग नहीं करना चाहिए, किसी की नींद नहीं ख़राब करनी चाहिए,
ओए साडा सेव आती रहने दो, अब सुबह ही बात मिलेंगे इसे, सोने दो यार। आप कहते तो आपकी मान लेता है, लेकिन वैसे मैंने ना इसे उठा के इतना तंग करना था ना आप। कर लो, मैंने कौन सा रोका यार, अब सोया हुआ रहने नहीं, कर लो मुझे कोई। मैं भी थका हूँ, मैं भी अब जाके आराम करता हूँ, सोता हूँ। थोड़ी देर से रुको, फिर चलते हैं। नहीं वैसे यार अंधेरा हो गया, अम्मी जी डांट रही हैं, पहले याद और भाई बालन लेके आए ना। चलो ठीक है, फिर जाओ आप, हम यहाँ रुकते हैं। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़, अब सुबह ही मुलाकात होगी, ठीक है। जूस करके जूस हो जाता थोड़ा कौड़ा कौड़ा घर आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे याद आया कि मामू जी के चैनल में मैंने बोला था कि मामू जी के 10,000 सब्सक्राइबर कर दे तो इनकी तरफ से होगी पार्टी केक, मैंने पसंद किया था। अगर वो ना मिला उस डिजाइन का, कोई और तैयार खुद करवा लेंगे। तो मैं कल पे आते ही पता चल गया कि 10,000 हो गए हैं, सुबह होगी पार्टी। जेड़ा केक ही वेख के आया ना, मैं उधर जाके दोबारा फिर सारे ने फोटो खिंच लिया। उन्होंने मैं क्या भी सवेरे इस डिजाइन का कोई केक ना होए। हमारे शहर में 5 बेकरी हैं, तो किसी ना किसी बेकरी से तो मिलेगा ना, नहीं तो खुद बनवा लेंगे। दूजियां दी कोई टेंशन नहीं, दूजियां नु मैं फोन कर लांगा, उन्हां दे मेरे को नंबर कोई नहीं, उन्हां नु मैं आखाया कल दा पार्टी के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, मामू जी का बेटा भी। ओए हम खुद बना लेंगे केक, कोई ऐसी वैसी बात है, खुद बना लो। इधर तनु जे घर दे बना के बर्गर खवा दा तो पार्टी चल जाएगी। नहीं नहीं, असि केक खाना, केक बना के पान खवा दो और क्या चलेगा। ओ कमलियो बंदियो, जड़ी घर दी पार्टी है नी, दुनिया उंगला चटदी रह गई सी, असि उंगला ते नहीं ना चटनियां, इस गल्ले ते पार्टी लेंदे, असि केक खाना है। केक मेरा मम्मी खोली बोलो, 5,000-4,000 लगना, 1,000 जान छोड़ देनी, की लोड़ है। मैं पिज्जा खाना है, केक खाना है, मैं पिज्जा खाने से शायद से हम भी पिज्जा खा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। पिज्जा साडे शहर च बिल्कुल नहीं मिलता। और यहां पे आकिफ ने एक नया ट्विस्ट लाया इस पार्टी में, कह रहा है कि छोड़ो यार ये बच्चों वाले काम, केक शेक पिज्जा खाएंगे मम्मी से। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप जैसा कर, मैं आपको नाराज नहीं करता, हमारे मेहमान हो, मम्मी जी खिलाए यार पिज्जा खिलाए। यार तुसी मैं करो इस सवेर से जाओ, तेरे स्कूल लगे ने, जाओ तुसी जाओ, तुसी पैसे पैसे जा घर आगे यार, पैसे तुम्हारे मेरे को वखरे ने, हां नहीं ना वखरे क्या करना। और यह था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।